ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਗਤਕਾਰ चलो ठीक है ठीक है, कल लोग क्लिक करो बस। श्री साहब सतगुरां दा फेरी दा है साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मेरी डिप्टी सीएम बने आओ जी। ठीक है एक मिनट सिंह साहब एक मिनट बनाओगे औखा सौखा टाइम तो सौखा औखा कल संघर्ष प्रकाश पर्व पूरे देश में दुनिया में मनाया जा रहा है और जिस प्रकार से करतारपुर कॉरिडोर का शुभारंभ हुआ मैं मानता हूँ कि धार्मिक विश्वास ने आज सरहदों को खोलने का काम किया और हमारे गुरु एक ही बात बारी बारी कहते थे कि आपसी भाईचारा पर्यावरण का सुधार इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे तभी भाईचारा और अमन हमारे बीच में है। मुझे लगता है गुरुओं से हमें ये चीज़ सीखनी भी चाहिए और इतिहास को जान कर समझ कर अपने जीवन में परिवर्तन। सर पर्यावरण की बात की चाहिए तो दिल्ली जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है हरियाणा और पंजाब को ये एलिगेशन लगा रही है पोल्यूशन ये इंडिया में यही कर रही है, इस पर आपका कहना है? यहाँ पोल्यूशन की बात तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अंडर गाड़ी को परचेज करने के भी प्रावधान कर दिए हैं और उसके ऊपर आने वाले समय जो कमियां रही है उसको भी सुधारा जाए। तो जो एलिगेशन वो सही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हरियाणा की बात थी पिछली बार से 36% हमारे कटौती आई एकदम तो आप हर व्यक्ति को नहीं रोक सकते और परिवर्तन हुआ है आने वाले भविष्य में और करें। चलो ठीक है कल लोग क्लिक करो बस। श्री साहब सतगुरां दा फेरी दा है साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मेरी डिप्टी सीएम बने आओ जी।
ठीक है। एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट बनाओगे औखा संघर्ष पचासवां प्रकाश पर्व पूरे देश में दुनिया में मनाया जा रहा है, और जिस प्रकार से करतारपुर कॉरिडोर का शुभारंभ हुआ, मैं मानता हूँ कि धार्मिक विश्वास ने आज सरहदों को खोलने का काम किया, और हमारे गुरु एक ही बात बारी बारी कहते थे कि आपसी भाईचारा, पर्यावरण का सुधार, इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे तभी भाईचारा और अमन हमारे बीच में है। मुझे लगता है गुरुओं से हमें ये चीज़ सीखनी भी चाहिए और इतिहास को जान कर समझ कर अपने जीवन में परिवर्तन। सर, पर्यावरण की बात की चाहिए तो दिल्ली जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, हरियाणा और पंजाब को ये एलिगेशन लगा रही है पोल्यूशन ये इंडिया में यही कर रही है, इस पर आपका कहना है? यहाँ पोल्यूशन की बात है तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अंडर गाड़ी को परचेज करने के भी प्रावधान कर दिए हैं, और उसके ऊपर आने वाले समय जो कमियां रही है उसको भी सुधारा जाए। तो जो एलिगेशन वो सही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, हरियाणा की बात थी, पिछली बार से 36% हमारे कटौती आई है। एकदम तो आप हर व्यक्ति को नहीं रोक सकते, और परिवर्तन हुआ है, आने वाले भविष्य में और करें। चलो ठीक है, कर लो क्लिक करो बस। श्री साहब सतगुरां दा फेरी दा है, साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मेरी बेटे ने 56 बने। आओ जी, एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट लाहौर जाना पैदा 25 किलोमीटर कटारी को, फिर उतो पै जाता 150 किलोमीटर करतारपुर, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਟੀ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਡਾ ਜਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਟੋ ਕੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ पचासवा प्रकाश पर्व पूरे देश में दुनिया में मनाया जा रहा है और जिस प्रकार से करतारपुर कॉरिडोर का शुभारंभ हुआ, मैं मानता हूँ कि धार्मिक विश्वास ने आज सरहदों को खोलने का काम किया और हमारे गुरु एक ही बात बारी बारी कहते थे कि आपसी भाईचारा, पर्यावरण का सुधार, इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे तभी भाईचारा और अमन हमारे बीच में है। गुरुओं से हमें ये चीज़ सीखनी भी चाहिए और इतिहास को जान कर समझ कर अपने जीवन में परिवर्तन। सर पर्यावरण की बात की चाहिए तो दिल्ली जो गवर्नमेंट है, सर सेंट्रल गवर्नमेंट है, हरियाणा और पंजाब को ये एलिगेशन लगा रही है पोल्यूशन ये इंडिया में यही कर रही है, इस पर आपका कहना है? यहाँ पोल्यूशन की बात तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अंडर गाड़ी को परचेज करने के भी प्रावधान कर दिए और उसके ऊपर आने वाले समय जो कमियां रही है उसको भी सुधारा जाए। तो जो एलिगेशन वो सही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हरियाणा की बात थी, पिछली बार से 36% हमारे कटौती आई, एकदम तो आप हर व्यक्ति को नहीं रोक सकते और परिवर्तन हुआ है, आने वाले भविष्य में और करें।